पेट्रोल और डीजल की दरों में हुई बढ़ोतरी को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। खाचरियावास ने कहा कि पिछले 10 दिनों में केंद्र सरकार ने 2 रुपए 24 पैसे पेट्रोल और 1 रुपए 73 पैसा डीजल महंगा कर दिया। केंद्र सरकार कोरोना संकट में राहत देने की जगह लगातार जनता की जेब पर वार कर रही है। क्रूड ऑयल के दाम कम हो रहे हैं, उसके बावजूद केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है। पूरे देश को बहुत बड़ा झटका लगा जब केंद्र की सरकार ने इन 10 दिनों में 2 रुपए 24 पैसे पेट्रोल महंगा कर दिया, 1 रुपए 73 पैसे डीजल महंगा कर दिया। मुझे ये बताइए कि केंद्र की सरकार चाहती क्या देश में? ना लोगों को राशन मिल रहा है, ना लोगों को मदद मिल रही है। हिंदुस्तान का मजदूर आज भी राशन के लिए तरस रहा है, सड़कों पर पैदल चल रहा है, बड़े परेशानी में रहा। 667 मजदूरों की सड़कों पर डेथ हो गई। आम आदमी, चाहे वो मीडियम क्लास है, चाहे गरीब है, चाहे नौजवान है, चाहे छोटा उद्योग धंधे काम करने वाला आदमी है, चाहे बड़ा आदमी, सब लोग परेशान हैं। लेकिन इस संकट की घड़ी में आप कोई डायरेक्ट मदद इस देश की जनता की कर नहीं रहे, और आपकी नीयत का इससे पता चलता है कि आप लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं।